शिवपुरी पुलिस द्वारा आज शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जहां शहर के हृदय स्थल माधव चौक पर शराब पीकर वाहन चालकों को पकड़ा जा रहा है, जहां लगातार चेकिंग भी की जा रही है। साल के अंतिम दिन होने के चलते शहर में कई जगह पार्टी होने के चलते जगह जगह गाड़ियों पर हुड़दंग करते घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। सर आज ये जो कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? आज 31 है, इसके देखते हुए पुलिस निरीक्षक महोदय के निर्देश प्राप्त हुए सभी थाना प्रभारी हर चौराहे पे चेकिंग लगाए और उसमें ये देखा जाए कि जो भी शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, उड़न कर रहे हैं, तीन सवारी उड़न कर रहे हैं, उनपे कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए आज हर तरह चौराहे पर पुलिस अलर्ट है और सभी जो दारू पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3 वाहन जब्त किए हैं, उनको इस पीछे भी कार्रवाई कर दी गई है, उनको न्यायालय केस किया जाए। इसका कुल जो मकसद है वो यही है कि सभी जगह शांति बनी रहे, कहीं भी ऐसे कोई हुड़दंग ना हो और आम जनता जो गली पर आनंद ले रहे हैं, नव वर्ष का आनंद लेना चाहते हैं, आराम से घूमे शॉपिंग करें। सर कार्रवाई के साथ साथ कुछ उनको एक खुली जेल का भी कुछ सजा वगैरह दी जाएगी? उसमें क्या होता है, जो दारू के जो वाहन चलाता है उसमें उसकी गाड़ी को जब्त करके उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और गाड़ी को न्यायालय में केस किया जाता है, उसमें चला नहीं जाता।